अभिनव पब्लिक स्कूल बिल्लाड़ा, क्लास 6, संस्कृत, विषय संस्कृत। इसके अंतर्गत फर्स्ट चैप्टर अपन ने पढ़ लिया था, अब इस फर्स्ट चैप्टर के क्वेश्चन आंसर करेंगे अपन। ये क्वेश्चन आंसर है, इसमें से फर्स्ट है डेट लगा के गृह कार्य वार लगा के करना है, निम्नलिखित पंक्तियों को पूरा करो, ये चारों पंक्तियाँ पूरी करनी है और ये चारों ये यहाँ पे काम करना है। ये आपका होमवर्क है, फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन। आज अपन सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे, ये है वर्णमाला, वर्णों की माला, व्यवस्थित क्रम या निश्चित क्रम को क्या बोलते हैं, वर्णमाला बोलते हैं। वर्णमाला अर्थात वर्णों या अक्षरों का समूह, वर्णमाला में वर्ण या अक्षरों का समूह होता है। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है जिसके और अधिक खंड नहीं किए जा सकते। वर्ण भाषा की वह सबसे छोटी सी छोटी इकाई होती है जिसके हम अधिक से अधिक या कम से कम टुकड़े नहीं कर सकते हैं। तो वर्ण भाषा की छोटी इकाई है जिसके हम अधिक टुकड़े नहीं कर सकते। इन वर्णों के मेल से ही शब्द बनते हैं, वर्णों को जोड़ने से क्या बनते हैं, शब्द बनते हैं, और शब्दों को जोड़ने से क्या बनते हैं, वाक्य बनते हैं। इस प्रकार वर्ण भाषा को जानने की सबसे पहली सीढ़ी होती है। तो वर्ण वह चीज़ है जिससे हम भाषा को जान सकते हैं, तो भाषा को जानने की पहली सीढ़ी क्या है, वर्ण है। आप हिंदी वर्णमाला में पहले से परिचित हैं, हिंदी वर्णमाला अपन जानते हैं, और संस्कृत भाषा में भी उन्हीं वर्णों का प्रयोग होता है। इन वर्णों के तीन भागों में बांटा गया, इन वर्णों को कितने भागों में बांटा गया है, तीन भागों में बांटा गया है, पहला स्वर, दूसरा व्यंजन और तीसरा अयोगवाह। जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता से किया जाता है तो वे स्वर कहलाते हैं, स्वर स्वतंत्र होते हैं, उन्हें किसी की सहायता की जरूरत नहीं होती है। तो जिन भी स्वर या जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता से किया जाए उसे हम स्वर कहते हैं। ये 13 होते हैं और अ से लेकर ओ तक होते हैं। व्यंजन, जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है, तो इसमें यही अंतर है कि स्वर के अंदर तो अन्य वर्ण की सहायता नहीं होती हो और इसमें स्वरों की सहायता से नहीं किया जाता है, सॉरी, जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है वे व्यंजन कहलाते हैं। तो स्वर स्वतंत्र होते हैं, उन्हें किसी की अन्य वर्ण की सहायता की जरूरत नहीं होती है और व्यंजन में हमेशा स्वरों की सहायता से ही उच्चारण किया जाता है। तो व्यंजन हमेशा स्वरों की सहायता से उसका उच्चारण करते हैं, वे व्यंजन कहलाते हैं। संस्कृत भाषा में 33 व्यंजन होते हैं, जैसे क ख ग घ ऋ, क वर्ग, च से ण तक च वर्ग, ट से ण तक ट वर्ग, त से न तक त वर्ग और प से प तक। ये सारे स्पर्श व्यंजन हैं, इनकी संख्या कुल 25 या 25 होती है। य र ल व, ये मुंह से नहीं बोल के अंदर से ध्वनि आती है गले में से, इसलिए इसको बोलते हैं अंतस्थ। इनकी संख्या कितनी होती है, 4। उष्म, श श श ह, इसमें बोलने में अधिक ऊर्जा की, अधिक शक्ति, अधिक ताकत की जरूरत होती है, इसलिए उसको बोलते हैं उष्म। इनकी संख्या भी कितनी होती है, 4 होती है। और यहाँ पे अपन कह सकते हैं संयुक्त वर्ण, संयुक्त वर्ण होते हैं जो हो जाते हैं श त्र ज्ञ और ये श्र, ये चारों इसमें संयुक्त वर्ण होते हैं। अब अपन लास्ट है अयोगवाह, जो वर्ण न तो स्वर होते हैं न व्यंजन, तथापि इनका प्रयोग प्राय होता रहता है, इसको अयोगवाह कहते हैं। ऐसे व्यंजन, ऐसे वर्ण जो न स्वर होते हैं न व्यंजन होते हैं फिर भी इनका अपन प्रयोग करते हैं और सदा इन्हें चिन्हों से प्रकट करते हैं। अनुस्वार, अनुस्वार होता है अंग, अंग होता है, अंग के ऊपर जो ये बिंदी लगी होती है इसको, इस बिंदी को क्या बोलते हैं, अनुस्वार बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, अनुस्वार, इसको बोलेंगे अनुस्वार। और ये जो अह है, अह के पीछे अगर ये दो बिंदी लग जाती है तो इसको बोलेंगे विसर्ग। क्या बोलेंगे इसको, विसर्ग बोलेंगे। तो ये अंग और अह, इन दोनों ये जो स्वर हैं ये कहीं जुड़ते नहीं, ये दोनों वर्ण हैं ये दोनों जुड़ते नहीं हैं, और इनको अंग को यहाँ पे अनुस्वार कहते हैं और अह को यहाँ पे विसर्ग से बताया जाता है कि इसको विसर्ग बोला जाता है। तो यहाँ तक अपन आज अपन यहीं तक पढ़ेंगे और इसके अंदर देखो होमवर्क।
होमवर्क बिल्कुल न्यू पेपर से चैप्टर का नाम लिखना है, नए पेपर से शुरू करना है, और पाठ दो वर्णमाला 13 जून 2020 ग्रह कार्य और शनिवार लिख के फर्स्ट स्वर कितने होते हैं 13। जो स्वर्ण होते हैं ना व्यंजन होते हैं उन क्या बोलते हैं अयोगवा, और ये सारी खाली जगह है। भाषा की छोटी इकाई वर्ण, संस्कृत भाषा में 33 व्यंजन होते हैं, अनुस्वार को अयोगवा कहा जाता है, स्वरों के साथ मिलने से व्यंजनों में मात्रा लगाई जाती है। ये दो प्रश्न आपको क्या करना है, दोनों प्रश्न आपको होमवर्क में करना है, बस आपको इतना ही काम करना है।